हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी तैयारी। आज हम सॉल्व करेंगे 4 जुलाई की इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चंस जो पूछे गए थे एसएससी सीएचएसएल 2018 में। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? द गिवन बार ग्राफ प्रेजेंट्स द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ एन आइटम इन टन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी फॉर द 5 फाइनेंशियल ईयर्स 2013-14 टू 2017-18। कि भाई 2013 से लेकर 2017 तक यहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कितना कितना हुआ एक कंपनी में, वो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। ये ब्लू वाली बिल्डिंग है हमारी एक्सपोर्ट्स और ग्रे वाली क्या है? इम्पोर्ट्स। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे? व्हाट इज द एवरेज इम्पोर्ट ड्यूरिंग द 5 फाइनेंशियल ईयर्स? पांचों सालों में इम्पोर्ट कितना हुआ? तो भाई इम्पोर्ट है ग्रे वाली बिल्डिंग, यानी कि 824, 1014, यहाँ लिखते चलते हैं 824, 1014, फिर है 1137, फिर है 1513 और लास्ट में है 1658। तो एवरेज यहाँ पे कितनी आ जाएगी? डिवाइडेड बाय 5। अभी टोटल हमें करना है, तो देखो 1137 और 1513 ये हो जाएगा आपका 2650। सिमिलरली अब ये कितना हो जाएगा? 824 और 1014 यानी कि 1838 और 1658 ये हो जाएगा आपका 3496। 3496 ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। अब ये कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 6000 और 146, 6146 बाय 5 यानी कि 1229.2 के अराउंड आएगा, जो है ऑप्शन नंबर 3। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अ सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट कंपाउंडेड एनुअली ग्रोस टू एन अमाउंट इन 5 ईयर्स विच इज अ फैक्टर ऑफ 1.1881 मोर देन व्हाट इट वुड हैव ग्रोन इन 3 ईयर्स, देन व्हाट इज द रेट परसेंटेज। तो भाई इसमें क्या बोला है? एक अमाउंट मान लो पी था, तो 3 साल में अमाउंट ए में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है इस पे। और ये सेम अमाउंट 5 साल में कितना बन गया? 1.1881 टाइम्स ए, 1.1881 टाइम्स ए, ये हो गया 5 साल में। तो अगर आप देखो, देखो 3 साल में अमाउंट हो गया था ए और 5 साल के बाद वो अमाउंट है 1.1881, तो इन 2 साल के बीच में यानी कि 3 साल से 5 साल के बीच में हमारा अमाउंट बढ़ा 0.1881 ए और इनिशियली वो था ए, तो जो 2 साल के बीच का रेट आ गया वो कितना आएगा? 18.81%। अब कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपने पढ़ाओ, अगर 2 साल के बीच का रेट 18.81 है, तो अब ये देखते ही गेस कर सकते हो कि जो यहाँ पे सक्सेसिव रेट लगा होगा वो किस रेट पे लगा होगा? 9% पे। भाई 9% पे अगर आप सक्सेसिव रेट लगाते हो तो 9 + 9 + 9 × 9/100 ये कितना आ जाएगा? 18.81%। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? जो हमारा रेट होगा वो निकल के आएगा 9%। आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है? इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 2p/p² + 1 एंड p इज नॉट इक्वल टू 0 देन tan थीटा इज इक्वल टू हाउ मच। भाई कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि एक तरह से हमें बेस दिया हुआ है 2p के बराबर, हाइपोटेनस दे रखा है p² + 1 के बराबर, और tan थीटा क्या होता है? ऑल्टीट्यूड बाय बेस। तो इस केस में हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो तो देखो 2p ही होगा, ठीक है, तो देख लेते हैं 2p किस किस ऑप्शन में है? सिर्फ एक ऑप्शन में है 2p, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया, हमें सॉल्व करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? इफ 3x - 7 होल क्यूब + 3x - 8 होल क्यूब + 3x + 6 होल क्यूब इज इक्वल टू दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो भाई ये क्या दे रखा है हमें? a³ + b³ + c³ - 3abc अगर 0 है तो भाई इस फॉर्म में दिया हुआ है, और ये चीज वैलिड कब होती है? जब a+b+c या बराबर हो 0 के या फिर a बराबर हो b के और बराबर हो c के, ठीक है। तो हम पहली वाली इक्वेशन लेते हैं भाई a+b+c, देखते हैं 0 के बराबर है कि नहीं और उससे x की वैल्यू निकालते हैं। तो भाई 3x - 7 + 3x - 8 + 3x + 6 अगर बराबर है 0 के तो 9x और ये -15 + 6 हो जाएगा -9, यानी कि 9x बराबर आ जाएगा 9 के और x की वैल्यू आ जाएगी 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एरिया ऑफ रॉम्बस हुज साइड इज 13 सेंटीमीटर एंड स्मॉलर डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। हमें पता है जो रॉम्बस की डायगोनल्स होती है वो बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को राइट एंगल ट्राइंगल पे, राइट एंगल पे। तो भाई ये हमने 2 डायगोनल बनाई, ठीक है, ये हो गया इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ए। अब ये बाइसेक्ट भी करेंगी और 90 डिग्री पे भी होंगी। साइड दे रखी है 13, एक डायगोनल है 10, तो
तो भाई बाइसेक्ट करेगी तो वो हो जाएगी 5, बी हो गया 5। तो अगर हम AO निकाल ले, AO कितना आएगा भाई, 13 5, और किसका ट्रिपलेट होता है 12 का, यानी कि AO आ गया 12, तो पूरी AC की लेंथ हो जाएगी 24। अब हमारे पास दो डायगनल आ गए AC और BD जो है 10 के बराबर, और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। तो एक डायगनल है 10, दूसरी आई 24, तो ये आ जाएगा कितना, 12 इंटू 10 120। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 7 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट द पॉइंट्स ए एंड बी। इफ ए बी इज इक्वल टू 6 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल इज एक्स सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो भाई सेम क्वेश्चन, मतलब सिमिलर क्वेश्चन हमने पिछले सेट में किया था। क्या दिया हुआ है, दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ए और बी पर, और ये होगी हमारी कॉर्ड ए बी। ए बी की लेंथ दे रखी है 6, ठीक है। अभी आ गया सेंटर दोनों सर्कल्स का, एक मान लेते हैं ओ, एक हो गया ओ डैश। तो ये जो ओ ओ डैश है, पहली बात तो ये इस कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, ये आपको याद रखनी है चीज़। अब ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, अगर ये पॉइंट एम पे बाइसेक्ट करता है तो भाई ये ए एम की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। अब हम रेडियस जोड़ देते हैं, यहाँ पे ये हो गई रेडियस एक ट्रायंगल की, ये हो गई दूसरे ट्रायंगल की। एक गिवन है 7 के बराबर, दूसरी गिवन है 9 के बराबर। अब अगर आप ट्रायंगल ए एम ओ डैश पे देखो तो भाई हाइपोटेनस है 9, एक साइड है 3, तो हमारी एम ओ डैश डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 81 माइनस 9 यानी कि 72, अंडर रूट 72, करेक्ट। और ट्रायंगल ए एम ओ में हाइपोटेनस है 7, एक साइड है 3, तो भाई ओ एम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 49 माइनस 9 यानी कि अंडर रूट ऑफ 40, ठीक है। तो अब हमें क्या बतानी है, एक्स की वैल्यू, और एक्स क्या है, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ओ ओ डैश बताना हमें। ओ ओ डैश की वैल्यू है अंडर रूट 40 प्लस अंडर रूट 72, इसको हम फर्दर ब्रेक करें तो हो जाएगा 2√10 प्लस ये हो जाएगा कितना, 6 अंडर रूट 2, तो 2√10 प्लस 6√2, तो रूट 10 की वैल्यू आपको पता कितनी होती है, यहाँ लिख लेते हैं, रूट 10 होता है 3.16 के बराबर, और रूट 2 की वैल्यू आपको पता होगी 1.41। तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 2 इंटू 3.16 प्लस 6 इंटू 1.41, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.32 प्लस 6 इंटू 1.41 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2.4 यानी कि 8.46 के बराबर। तो अब इसको ऐड अगर हम करें तो ये आ जाएगा 14.78 के अराउंड, यानी कि जो क्लोजेस्ट होगा 15 के, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर्स आर इन रेशियो 1/2 to 2/3 is to 3/4, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 27, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो भाई 1/2 is to 2/3 is to 3/4, इसको हम और सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इनके एलसीएम डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई करके, एलसीएम आएगा इनका 12, तो अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ हर एक नंबर को, तो ये रेशियो आ जाएगा कितना, 6:8, और ये हो जाएगा कितना, 9, तो 6:8:9 रेशियो आ गया। अब हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस दे रखा है 7, ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे हमें 9 यूनिट, स्मॉलेस्ट है 6, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू हमें 27 दे रखी है, तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 9। हमें क्या बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 6:9 हो जाएगा 54 के बराबर, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन क्या है, द गिवन बार ग्राफ प्रेजेंट्स द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, ठीक है, सेम डीआई है, क्वेश्चन में बोला है द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स टू टोटल इंपोर्ट्स ड्यूरिंग 5 फाइनेंशियल ईयर्स। अब देखो ये थोड़ा बहुत लेंदी हो जाएगा यार हमारा, क्योंकि मैं यहाँ पे सारी चीज ऐड करनी पड़ेंगी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, और फिर हमारा कोई आंसर भी इतनी इजी फॉर्म में नहीं दे रखा, तो मैं रिकमेंड करूंगा एग्जाम टाइम में इसको तो आप बिल्कुल स्किप कर ही देना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं भी नहीं करा रहा हूँ, करना कुछ नहीं है, ऐड करनी है सारी वैल्यूज। अब यहाँ पे देखो क्लियर भी नहीं है वैल्यूज, कहीं हमने थोड़ी भी गलती करी तो हमारा आंसर यहाँ पे सही नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि ये क्वेश्चन स्किप करना, ओके। तो यहाँ पे भी हम नहीं करा रहे इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लेट ट्राइंगल ABC बी सिमिलर टू ट्राइंगल QPR एंड एरिया ऑफ ABC टू एरिया ऑफ PQR इज 1/16। If AB is equal to 12, BC is equal to 6 and AC is equal to 9, then PR is equal to how much? तो भाई यहाँ पे एरिया का रेशियो दे रखा है दो सिमिलर ट्राइंगल्स का, हमें पता है दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर,
यहाँ पे है एरिया, ये रेशियो दे रखा 1/16, यानी कि एक तरह से 1/4 का स्क्वायर होगा। तो हम कह सकते हैं भाई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी 1/4 होंगी ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर में। तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या ले सकते हैं, देखो हमें निकालना है पीआर, तो हम पीआर के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ले लेते हैं। पीआर के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है बीसी, तो ये एक तरह से आपको बीसी बाय पीआर दे रखा है, क्या 1/4 के बराबर। अगर बीसी बाय पीआर 1/4 के बराबर है हमें, और बीसी की वैल्यू भी दे रखी है 6, तो भाई पीआर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 × 4 यानी कि 24, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 428 एंड 56 डेज रिस्पेक्टिवली, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो आसान क्वेश्चन है, ए बी सी भाई ये तीनों इंडिविजुअली काम करते हैं 4, 28 और 56 दिन में। तो एलसीएम आ गया 56 यूनिट, 56 यूनिट है हमारा टोटल काम, जिसको करने के लिए ए ले रहा है 4 दिन, तो भाई एक दिन में वो कर रहा होगा 14 यूनिट काम। सिमिलरली बी एक दिन में कर रहा होगा 2 यूनिट काम, और सी एक दिन में कर रहा होगा 1 यूनिट काम। तीनों मिलके एक दिन में 17 यूनिट काम कर रहे हैं, टोटल काम है 56 यूनिट, तो भाई 56 यूनिट तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, डिवाइडेड बाय 17, तो ये आ जाएगा 3 ज़ा 51 बचा 5, 3 5 बाय 17, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ए बी सी इफ इट टचेज, अच्छा इट टचेज साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी एट द पॉइंट्स पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। If BP is equal to 8.5, CQ is equal to 6.5 and AR is equal to 4.5, then the perimeter of the triangle ABC is how much? तो ये हमने बनाया अपना ट्राइंगल ए बी सी, एक सर्कल है जो इसको टच कर रहा है अंदर से पॉइंट्स, ए बी को टच कर रहा है पी पे, बी सी को कर रहा है क्यू पे और यहाँ पे आर, और हमें डिस्टेंस दे रखा है, बी पी की वैल्यू दे रखी है 8.5, तो बी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8.5, CQ की वैल्यू कितनी है 6.5, तो RC की वैल्यू भी हो जाएगी 6.5, और AR की वैल्यू है 4.5, तो AP की वैल्यू भी हो जाएगी 4.5। ये आपको थ्योरम याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टी है टेंजेंट की कि भाई कोई भी कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट होता है उससे अगर दो टेंजेंट्स बनाते हैं तो वो हमेशा बराबर होती है उनकी लेंथ, ठीक है। तो भाई अब देख लो पेरीमीटर क्या आएगा, ये लेंथ हो जाएगी 13, ये लेंथ हो जाएगी 11, और ये नीचे वाली लेंथ हो जाएगी कितनी 15, तो 15 प्लस 11 प्लस 13 कितना हो जाएगा 39, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर टू पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, सो दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ए डी बाय बी डी इज 3/4, देन द रेशियो ऑफ ट्रायंगल एबीसी टू ट्रेपीजियम डी ई सी बी। तो भाई यही सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने पिछले सेट में भी किया था, ये हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी, बोला कि ए बी पे एक पॉइंट है डी और ए सी पे पॉइंट है ई, और डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है, और ए डी दे रखा 3 यूनिट, बी डी कितना है 4 यूनिट, तो हमारा पूरा ए बी कितना हो गया 7 यूनिट, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि दोनों ट्राइंगल ए डी और ए बी सी सिमिलर होंगे, क्योंकि देखो ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए और एक एंगल हमारा कॉमन है ही, ठीक है, एंगल ए कॉमन है, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। सिमिलर ट्राइंगल के केस में एरिया का रेशियो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वो कितना हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो। तो इस केस में आप देखो भाई एक एंगल है अल्फा, एक है थीटा, तो तीसरे को मैं मान लेता हूं ये गामा, ठीक है, तो ये गामा है, तो भाई एंगल सी बी हो जाएगा गामा। अब गामा के ऑपोजिट छोटे वाले ट्राइंगल में साइड कौन सी है, ए डी, तो ए डी का स्क्वायर अपॉन गामा के ऑपोजिट बड़े वाले ट्राइंगल में साइड कौन सी है, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। ए डी कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, ए बी दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो ये आ गया हमारा सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो। हमें निकालना है डी ई सी बी का एरिया, तो वो कितना हो जाएगा, अगर बड़े वाले ट्राइंगल से हमें छोटे वाले ट्राइंगल माइनस कर दें तो भाई हमें ये एरिया मिल जाएगा जो है ट्रेपीजियम का एरिया, यानी कि ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा 49 - 9 जो बराबर होगा 40 के, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए बी सी का एरिया है 49, ट्रेपीजियम का या 40, तो 49/40 आ गया आंसर ऑप्शन नंबर 2। मेरे ख्याल में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था पिछले सेट में भी। अगला क्वेश्चन क्या है, अ मैन बॉट टू आर्टिकल्स फॉर 3050 रुपीज ईच, ही सोल्ड वन आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट एंड द अदर एट 20% प्रॉफिट, देन द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज ही अर्नड वाज हाउ मच। ठीक है भाई, तो इसमें क्या करेंगे, मान लो भाई दोनों आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस था 100 रुपए था, अब 100 की चीज को उसने 10% प्रॉफिट पे बेचा तो 110 में बेचा होगा, यहाँ पे 100 की चीज को 20% प्रॉफिट पे बेचा यानी कि 120 पे बेचा होगा,
टोटल जो कॉस्ट प्राइस था वो आ गया 200, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस टोटल कितना आया 230, तो 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसको 200 रुपये पे। तो परसेंटेज में ये अगर करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15%। तो हमें एक्चुअली ये 3050 लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, सिंस हमें परसेंटेज निकालनी थी। हाँ, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट की जगह प्रॉफिट बोला होता तब हम यहाँ पे 3050 लेते, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, वही डीआई का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है इन विच फाइनेंशियल ईयर द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स इज द हाईएस्ट, ठीक है। तो भाई हमें डिफरेंस बताना है सबसे हाईएस्ट किस में है, तो देख लेते हैं यहाँ पे 824 और 638, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 200 में आप 12 हटा दो यानी कि 188, ये आया पहला डिफरेंस। तो ऑप्शन से जाते हैं ना, 2017-18 का बोला है तो 2017-18 का ये कितना है 1658 और 1305, तो ये डिफरेंस आ गया कितना 353 का, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है, 2014-15, तो 2014-15 में कितना है भाई डिफरेंस 1256 और 1014, यानी कि डिफरेंस आया 242 का, तो यहाँ लिख लेते हैं 242। थर्ड ऑप्शन क्या है, 2015-16 में डिफरेंस कितना है 1861 और 1137, तो यहीं पे हम देख सकते हैं अराउंड 740 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो 2016-17 में देखते हैं, 2016-17 में कितना है भाई 1538 और 1513, तो ये तो अराउंड 25 ही आया। तो सबसे ज़्यादा किस में है भाई, 740 जो है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या है, देर वॉज अ 29% ऑफ ऑन बैग्स, अ लेडी बॉट अ बैग एंड गॉट 13% डिस्काउंट फॉर पेइंग इन कैश, शी पेड रुपीज 617.70, वट वॉज द प्राइस टैग ऑन द बैग, ठीक है भाई। मान लो जो प्राइस टैग था या फिर मार्क प्राइस था वो था 100 रुपये, ठीक है। तो 29% ऑफ तो उस पर चल ही रहा था, यानी कि उसकी जो सेलिंग प्राइस थी वो थी कितनी 71 रुपीज, पर 13% का और डिस्काउंट दिया गया उसको क्योंकि उसने पेमेंट करी कैश में। तो अगर मैं 71% पे 13% का और डिस्काउंट दूं तो मैं 87% कीमत पे उस चीज़ को बेच रहा हूँ, ये बराबर है सेलिंग प्राइस के, और क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 617.70 यानी कि 70/100, ठीक है। अब इतने यूनिट की वैल्यू अगर 617.7 है, हमें निकालनी है मार्क प्राइस जो है 100 के बराबर, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका 100 से, देखो 100 गया तो 61770 अपॉन 71 into 87, ये आ गई एक यूनिट की वैल्यू, 100 की करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमें सॉल्व करना है 6177 into 1000 अपॉन 71 into 87, ठीक है। तो अब अगर देखें तो ये किससे जाएगा, सात, हाँ तो 3 से ये जा रहा है कितना 29 टाइम्स, ये गया 2059 टाइम्स, फर्दर ये जाएगा क्या 29 से एक बार काट के देखते हैं, ये जाएगा 29 7 से करें तो 54, हाँ तो 29 63 और 140, हाँ तो 7 कितना हुआ 203 बचा 29 1, तो 71 से गया और 71 से ये 71 कट गया, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया 1000 जो है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या है, अ मैन गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 30% एंड देन 20% ऑन हिज फूड बिल ऑफ 1500, हाउ मच डिस्काउंट इन रुपीज डिड ही गेट, तो भाई 30% और 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो इफेक्टिव डिस्काउंट कितना हो जाएगा 30 + 20 - 30 × 20/100 जो बराबर हो जाएगा 44% के। तो 44% का डिस्काउंट दिया 1500 रुपये पे, तो भाई डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500 × 44/100, ये वैल्यू हो जाएगी कितनी 30 × 22 यानी कि 660 हो जाएगा हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स की पावर 4 + 1/4 इज इक्वल टू 1442 देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1/x विल बी हाउ मच, तो भाई एक्स की पावर 4 + 1/4 दे रखा है 1442 के बराबर, अगर मैं दोनों साइड 2 ऐड करता हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, और ये बराबर होगा 1444 के, ये हमें पता है किसका स्क्वायर होता है 38 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमने क्या निकाला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर आ गया 38 के, हमें क्या निकालना है एक्स प्लस 1/x, तो दोबारा यहाँ पे 2 ऐड कर दो दोनों साइड, तो ये कितना आ जाएगा एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर है
40 के, और x प्लस 1 बाय x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 40 या 2√10। हमारा आंसर यहाँ पे नहीं दिया हुआ, आंसर दे रखा है 6। हाँ तो ठीक है, देखो इन्होंने क्या किया होगा, क्वेश्चन में इन्होंने पूछा होगा x माइनस 1 बाय x। तो अगर देखो x माइनस 1 बाय x पूछा होता ना हमसे, ये क्वेश्चन में शायद यहाँ दिक्कत है, तो यहाँ हम क्या करते, यहाँ प्लस 2 की जगह हम माइनस 2 करते, तो ये क्या हो जाता, x माइनस 1 बाय x का होल स्क्वायर, और माइनस 2 यहाँ किया था तो यहाँ भी माइनस 2 होता, तो ये 38 माइनस 2 कितना हो जाता, 36। कि भाई x माइनस 1 बाय x का होल स्क्वायर अगर बराबर है 36 के, तो x माइनस 1 बाय x की वैल्यू आ जाती 6। तो ये क्वेश्चन में हम मिसप्रिंटिंग हुई है, ठीक है। तो अगर प्लस है तो उसके हिसाब से भाई 2√10 हमारा आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ 2 sin square theta plus 5 cos theta minus 4 is equal to 0 and theta is greater than 0 and less than 90, then the value of tan theta plus tan sin theta is equal to how much? तो भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक तरह से आपको, sin square को अगर मैं cos में बदल दूं तो हो जाएगा 2 minus 2 cos square theta plus 5 cos theta minus 4 बराबर 0, यानी कि 2 cos square theta minus 5 cos theta plus 2 ये बराबर है 0 के। तुम्हारी क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी, कॉस थीटा की आएंगी दो वैल्यूज जो होंगी, ये माइनस फोर और माइनस वन में ब्रेक होगा, तो 4/2 और 1/2, यानी कि देखो 2 तो हो नहीं सकता, तो सिर्फ एक ऑप्शन बचता है 1/2, और कॉस थीटा 1/2 का होता है जब थीटा 60 डिग्री हो, तो थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई 60 है। टेन थीटा कितना होगा, √3, और साइन 60 कितना होगा, √3/2, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 3√3/2, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 ईयर्स अगो द एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स वाज 33 ईयर्स, नाउ 3 न्यू मेंबर्स जॉइन हुज एजेस आर इन असेंडिंग ऑर्डर विद कंसेक्यूटिव गैप ऑफ 8 ईयर्स, इफ द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज द सेम एज दैट इट वाज 9 ईयर्स अगो, देन व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट न्यू मेंबर। तो यहां पे क्या बोला है, 9 साल पहले एवरेज एज 5 लोगों की फैमिली में कितनी थी, 33। तो भाई 9 साल पहले उनकी एजेस का जो सम होगा वो कितना होगा, 33 इंटू 5 यानी कि 165 ईयर्स, ये था 9 साल पहले। अब 9 साल बाद अगर करंट में हम देखें तो भाई इन पांचों मेंबर्स की एज 9-9 साल बढ़ जाएगी, यानी कि पांचों लोगों की एज में इंक्रीज आ जाएगा 45 का, तो हम कहेंगे आज प्रेजेंट में उनकी एज का सम कितना है, 165 प्लस 45 यानी कि 210 ईयर, ठीक है। अब क्या हुआ, तीन लोग और आए और उनकी एज के बीच में असेंडिंग ऑर्डर में गैप कितना है, 8 साल का। मान लो एक की एज x है तो दूसरे की है x प्लस 8 और तीसरे की होगी x प्लस 16, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन लोग और आ गए, x एज है एक की x प्लस 8 और एक की x प्लस 16, और टोटल लोग कितने हो गए, 5 से बढ़ के हो गए 8, और अब इनकी एवरेज कितनी है, सेम है एवरेज इनकी, अब भी सेम रही, कितनी थी एवरेज, 33। तो ये वैल्यू 33 के बराबर है। अब अगर इसे हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 240 और 24, यानी कि 264 बराबर है 210 प्लस 3x प्लस 24 के, यानी कि ये हो जाएगा 234, यहाँ माइनस हो जाएगा तो 30 बराबर हो जाएगा 3x के, और x की वैल्यू आ जाएगी 10। x कौन है, हमारा यंगेस्ट मेंबर, x ही हमें फाइंड करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ x प्लस 1 बाई x इज इक्वल टू 10 देन x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब इज इक्वल टू, आसान क्वेश्चन है, ये क्या होगा 10 क्यूब माइनस 3 इंटू 10 यानी कि 1000 माइनस 30 जो हो जाएगा 970 के बराबर, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 99 ए बी इज इक्वल टू 11 देन द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच एंड ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0। तो भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है कितना है, 99, ए बी दे रखा है 11, हमें निकालना है a प्लस बी। अब वो कैसे निकालेंगे, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आप करो तो ये बराबर किसके होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, इसकी वैल्यू दे रखी है 99, ए बी की वैल्यू 11, तो 2ab हो जाएगा कितना, 22, तो ये हो जाएगा 121 के बराबर, और 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने a प्लस बी कितना बराबर कर लिया, 11 के, कि a प्लस बी की वैल्यू है 11, तो यहाँ आ गई 11। तो अब कितना हो गया, 11 इंटू 99 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 88, 11 इंटू 88 कितना हो जाएगा, 968 के बराबर, करेक्ट।
तुम्हारा आंसर कौन सा हो गया भाई? ऑप्शन नंबर टू। अगला क्वेश्चन क्या है? इन अ ट्राइंगल ए बी सी द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी मीट एट पॉइंट ओ विद इन अ ट्राइंगल। तो सेम क्वेश्चन है, अभी पिछले सेट में था भाई, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दे रखा है यहाँ पे। और इफ बी ओ सी, यानी कि देखो ये हो गया हमारा ट्राइंगल ए बी सी, इनके जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो मीट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर, और ये एंगल हमें अगर मान लो दिया हो, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? तो भाई देखो, एंगल ए के टर्म्स में दे रखा है, एंगल ए क्या होगा हमें पता है, एंगल बी ओ सी बराबर होता है 90 प्लस ए बाई टू के, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी एंगल बी ओ सी माइनस 90 इंटू टू, करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर फोर हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ ट्रेन कवर्स 60 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आर मोर इट वुड हैव टेकन 10 आवर्स लेस फॉर द सेम जर्नी, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो भाई 60 किलोमीटर एक ट्रेन कवर कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड पे, मान लेते हैं उसकी स्पीड है x। अब क्या बोला, स्पीड उसकी बढ़ के हो गई x भाई 8 किलोमीटर पर आर बढ़ गई, यानी कि x से अब स्पीड हो गई x प्लस 8। अब स्पीड का रेशियो हमें पता चल गया, तो टाइम कितना ले रही होगी वो, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि x प्लस 8 बाई एक्स, कि भाई अगर वो x प्लस 8 टाइम ले रही है, वो कब ले रही है? जब x स्पीड थी उसकी। अब x टाइम ले रही है, x टाइम वो लेने लगी जब उसकी स्पीड बढ़ के x प्लस 8 हो गई, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से उसने 10 घंटे कम लिए, भाई x प्लस 8 से टाइम घट के x हो गया, यानी कि 8 यूनिट टाइम घटा, 8 यूनिट घटा, और क्वेश्चन में बोला है कि 10 आर घटा, तो 8 यूनिट की वैल्यू अगर 10 आर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 10 बाय 8, यानी कि 5 बाय 4, 5 बाय 4 हो गई 1 यूनिट की वैल्यू। तो भाई x प्लस 8, x प्लस 8 यूनिट टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी? x प्लस 8 इंटू 5 बाय 4, ये आ गया हमारा टाइम। ये टाइम कब है? जब स्पीड है x। तो अगर हम स्पीड इंटू टाइम करें तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है x और x स्पीड थी, तो उस टाइम पे टाइम कितना था? x प्लस 8 इंटू 5 बाय 4, और डिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है कितना? 60 है। तो भाई यहाँ से 5 से 60 गया कितना? 12 टाइम्स, और इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, 48 आ गया x इंटू x प्लस 8 के बराबर। अब आप क्या करो, सिंपली ऑप्शंस पे जाओ, चार अगर वैल्यू डालते हैं x की, तो भाई ये हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 8 12, और ये सेटिस्फाई कर जाएगा इक्वेशन को, 48 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 4, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है? अ नंबर इज डिक्रीज बाय 30%, देन इंक्रीज बाय 30%, एंड देन फर्दर डिक्रीज बाय 10%, देन व्हाट इज द नेट इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे भी इफेक्टिव परसेंटेज लगानी है। पहले घट रहा है 30, फिर बढ़ रहा है 30%, और फिर दोबारा घट रहा है 10%। तो भाई इन दो का इफेक्टिव परसेंटेज लगाएंगे तो कितना आएगा? दोनों ऐड होंगे तो 0, माइनस में 30 इंटू 30 ये हो जाएगा 900 बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा? 9%। ठीक है, माइनस 9%, फिर क्या है, माइनस 10 के साथ करना है अब इसका, तो ये कितना आएगा ऐड करके? माइनस 19, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 90 बाय 100, तो ये आ जाएगा माइनस 19 प्लस 0.9, और ये कितना होगा? माइनस 18, ऑलमोस्ट 18.1 है ना, हाँ, तो 18% के अराउंड डिक्रीज होगा, जो है ऑप्शन नंबर 4। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है? द गिवन बार ग्राफ, ठीक है, सेम डीआई है, क्वेश्चन में बोला है इन विच फाइनेंशियल ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स टेकन टुगेदर इज द हाईएस्ट इन कंपैरिजन टू इट्स प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो ये देखो, अब ये थोड़ा फिर से लेंदी वाला क्वेश्चन आ गया, तो ऑप्शंस पे जाते हैं। देखो 2016-17 में कितना था भाई टोटल? 2016-17 में था 1538 और 1513, यानी कि ये टोटल होगा 3053, और 2014-15 में कितना था? 2014-15 में हुआ 1256 और 1014, यानी कि 2270। अब इससे पिछले वाले साल में भी देख लेते हैं, 1861 और 1137, ये आ जाएगा 2998, तो 2998। अब इसकी बात हुई तो ये भी टोटल कर लेते हैं, ये आ जाएगा 638 और 624, 824, तो 1462, 1462, और ये लास्ट वाले को भी अगर चेक करें तो 1658 और 1305, ये टोटल आ जाएगा 2963 में। ठीक है, अब अगर देखें 2016 और 17 में भाई इंक्रीज कितने का हुआ भाई, 2998 से
प्राइस हो गया 3053, यानी कि 55 का इंक्रीज हुआ, और इनिशियली वो था 2998। ये आया पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन क्या है, 2014-15, 2014-15 में वैल्यू थी 2270, और ये कैसे हुई, 1462 से बढ़ के 2270 हुई, यानी कि इंक्रीज हुआ होगा 808 का, इनिशियली जो थी 1462। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन देखें तो 2017-18 में कितनी थी वैल्यू, 2963, और ये कितनी भाई, 3053 से ये तो घट गई भाई पिछले साल के मुकाबले, ओवरऑल वैल्यू तो घट गई, तो ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, यहाँ पे तो वैसे ही डिक्रीज है। लास्ट ऑप्शन क्या है, 2015-16, 2015-16 ईयर में वैल्यू थी 2998, और उससे पिछले वाले साल में थी 2270, तो यहाँ पे इंक्रीज कितने का हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हुआ 728 का, और इनिशियली जो था 2270। तो अब आप देखो, अब डायरेक्टली सीधा कंपेयर ही कर सकते हो भाई, ये क्या होगा, ऑलमोस्ट अराउंड 1/6 होगा या 1/5 होगा, 1/5 मान लो, ठीक है 1/5 है ये फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन कितना होगा, ऑलमोस्ट 1/3 होगा, और ये वाली कितनी होगी वैल्यू, ये 1/2 से भी थोड़ी कम है, तो 1/2 ही अगर माने तो भी सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, ऑब्वियसली बात है बीच वाली, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ओके गाइस, ये थे शिफ्ट के क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। बाय बाय एंड टेक केयर।